हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं मिस्टर डेकी। और आज मैं आपके लेके आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं M30s, Redmi Note 7 Pro, Realme X2, Redmi Note 8 Pro, Realme XT और Realme 5 Pro का बैटरी डिस्चार्जिंग टेस्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे पॉपुलर फ़ोन मौजूद हैं जितने भी 2019 और 2018 में पॉपुलर थे और बहुत ही ज़्यादा खरीदे गए थे, तो वो हमारे पास यहाँ पे पड़े हैं। और ये टेस्ट हमने इसलिए रखा है क्योंकि एक साल से ज़्यादा हो चुका है कुछ डिवाइसेस को यहाँ पे लॉन्च हुए हुए, तो उसमें हम देखना चाहते थे कि क्या जो नया रियलमी X2 है कोई भी स्मार्टफोन उसमें से उसको टक्कर दे सकता है नहीं। तो बैटरी साइजेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब फोन्स के बैटरी साइजेस आपको यहाँ दिख रहे होंगे। और सबसे बड़ी बैटरी जो है ऑन पेपर वो यहाँ पे M30s के अंदर है, जो कि है 6000 mAh की बैटरी, और बाकियों में 4000-4500 के बीच में वेरिएशन है। ये Redmi Note 7 Pro में 4000 mAh बैटरी है, Realme X2 में भी 4000 mAh बैटरी है, Redmi Note 8 Pro में है 4500 mAh की बैटरी, Realme XT में 4000 mAh की बैटरी है और Realme 5 Pro में है 4045 mAh की बैटरी। तो ओवरऑल जो यहाँ पे कंपैरिजन है वो ऑलमोस्ट सेम बैटरी साइजेस का है। तो जो लोग M30s लेने की सोच रहे हैं उनको भी ये पता चल जाएगा कि M30s की बैटरी कैसा परफॉर्म करती है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज डिवाइसेस, क्योंकि सिर्फ बैटरी साइज से ही फर्क नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और एप्स की यूसेज या कैसे बैटरी यूज कर रहा है आपका हार्डवेयर उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो चलो फटाफट मैं यहाँ सेटअप कर देता हूँ टेस्ट को और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये टेस्ट को हम परफॉर्म कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे फोन्स के अंदर बैटरी अभी 100% है और यहाँ स्टॉपवॉच के तौर पे हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M30 और बैकग्राउंड ऐप्स भी हम बाकी सारी क्लोज कर देंगे, सिर्फ इसको अभी खुला रखेंगे क्योंकि इसको हमें मॉनिटर करना है। तो यहाँ पे हमने सारी ऐप्स बंद कर दी हैं और अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हम टेस्ट को परफॉर्म कैसे करेंगे। तो हम 5 घंटे के लिए YouTube पे एक वीडियो चलाएंगे जो हमारे गेमिंग चैनल की है, जो इनके अंदर ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ी हैं। उसके बाद हम 4K पे रिकॉर्डिंग करेंगे 2 आवर्स के लिए इन सारे स्मार्टफोन्स के कैमरास से, और उसके बाद बाकी बची बैटरी को हम ड्रेन करेंगे पबजी खेल के इन सारे डिवाइसेस में। तो चलो फटाफट से मैं YouTube को सेटअप कर देता हूँ हमारा जो फर्स्ट फेज है। दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं सारे फोन्स के अंदर सेम वीडियो डाउनलोडेड है और ब्राइटनेस अभी सारे फोन्स की फुल पे है, तो थोड़ा सा आपको देखने में परेशानी हो रही होगी कि स्क्रीन पे इस वक्त क्या है। और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि सेटिंग्स भी सारी सेम है सारे ही फोन्स में, सिर्फ वाईफाई और लोकेशन ऑन है और ये सारे डिवाइसेस सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, तो सारे ही फोन्स में सिमिलर सेटिंग्स हैं। तो अब हम फटाफट से यहाँ वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ स्टॉपवॉच को भी मैं ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियोस लग चुकी हैं और टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया है और अब हम 5 घंटे बाद देखेंगे कि कौन से फोन में कितना बैटरी ड्रॉप होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 घंटे पूरे हो चुके हैं और अब हम चेक करते हैं कि सारे फोन्स में बैटरी कितनी कितनी बची है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M30s में बची है अभी 75% बैटरी और यहाँ Redmi Note 7 Pro में बची है 46% बैटरी और Realme X2 में बची है 63% बैटरी और Redmi Note 8 Pro में बची है 38% बैटरी और Realme XT में बची है 67% बैटरी और Realme 5 Pro में बची है 41% बैटरी। तो अभी तक यहाँ पर Redmi Note 8 Pro सबसे गंदा परफॉर्म कर रहा है, Redmi Note 7 Pro से भी Redmi Note 8 Pro में कम बैटरी बची है, जो कि बहुत अजीब बात है। जैसा कि हमारे पिछले बैटरी ड्रेन टेस्ट में आपने देखा होगा कि Realme X2 के साथ भी उसने ज्यादा अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं किया था और यहाँ भी रिजल्ट्स कुछ सेम ही है, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा है। बट चलो अब हम अपने टेस्ट के नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम 4K रिकॉर्डिंग करेंगे इन सारे फोन से 2 घंटे के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबकी सेटिंग्स 4K के ऊपर
सेट है, सारे ही कैमरे। तो अब हम वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब हम 2 घंटे बाद देखेंगे कि कौन से फोन में कितनी बैटरी बची होगी। और मैं साथ में ये भी देखता रहूंगा कि अगर किसी में मेमोरी फुल होने की वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई तो मैं वीडियो डिलीट करके दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा। और साथ साथ हम रेडमी नोट 8 प्रो पे भी नजर रखेंगे कि पता चले वो फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में ही बंद ना हो जाए। तो यहाँ दोस्तों वही सीन हो गया है, 6 घंटे और 22 मिनट हो चुके हैं और यहाँ Redmi Note 8 Pro जो है 1% बैटरी पे आ चुका है। यही पिछले वाले टेस्ट जैसा रिजल्ट आया है। Redmi Note 8 Pro की बैटरी काफी बुरा परफॉर्म कर रही है बैटरी ड्रेन टेस्ट में, पता नहीं क्यों। तो अभी कुछ ही टाइम में यार Redmi Note 8 Pro भी बंद हो जाएगा, हमें बस देखना है कि कब होगा। और यहाँ पे Redmi Note 8 Pro बंद हो चुका है 6 घंटे 24 मिनट और 26 सेकंड के अंदर। ये अच्छी बात तो नहीं है, पर ये जो बैटरी डिस्चार्जिंग टेस्ट है हमारे, ये आपके लिए एक रफ नंबर है कि कौन से फोन की बैटरी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है। बट एक्चुअल यूसेज में आपको डिफरेंस भी मिल सकता है, क्योंकि हम इसमें रियल लाइफ यूसेज को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि रियल लाइफ में हम और भी बहुत सारे काम करते हैं इंस्टेड ऑफ वॉचिंग समथिंग ऑन यूट्यूब एंड रिकॉर्डिंग 4K footages फॉर 2 आवर्स। सो अभी तो यहाँ पे पबजी तक टेस्ट पहुंचा ही नहीं रेडमी नोट 8 प्रो का, वरना पबजी में भी जब हम खेलते हैं तो हम टच यूज करते हैं, ज्यादा साउंड यूज करते हैं, ईयरफोन्स लगा के रखते हैं, कुछ लोग जायरो भी यूज करते हैं, तो उससे भी बैटरी पे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो नंबर्स यहाँ पे आप देखेंगे, ये जस्ट एक कंपैरिजन है एक तरह से, ये बताने के लिए कि किसकी बैटरी कितना परफॉर्म कर सकती है हमारे इस एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में। तो आपको उससे ज्यादा ही आउटपुट देखने को मिलेगा एक्चुअली रियल लाइफ यूसेज में। तो यहाँ पे अब Redmi Note 8 Pro तो गेम से बाहर हो चुका है, तो इसको तो मैं अभी यहाँ उल्टा करके रख देता हूँ। बाकी फोन्स की बात करें तो यहाँ पर M30S जो है इसके अंदर बची है 56% बैटरी, और यहाँ पे Redmi Note 7 Pro जो है 4% बैटरी पे हैं। दोनों मी फोन सबसे पहले बंद होंगे, और उसके बाद Realme X2 जो है वो बचा है 29% बैटरी के साथ, और यहाँ पर Realme XT में बची है 38% बैटरी, और Realme 5 Pro में बची है 5% बैटरी। तो यहाँ Redmi Note 7 Pro और Realme 5 Pro में हो रहा है टक्कर का कंपैरिजन, देखते हैं इन दोनों में से पहले कौन बंद होता है। यार और एक चीज मेरे को समझ भी नहीं आई, ये सैमसंग और Redmi के फोन्स की क्या दिक्कत है, ये 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करते ज्यादा देर के लिए। Redmi फोन्स जो है वो सिर्फ 8 मिनट्स की 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, और जो सैमसंग का फोन है वो सिर्फ 10 मिनट्स की 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। यार ऐसी लिमिट क्यों? आप लोगों को अपने प्रोसेसर पर भरोसा नहीं है क्या कि अगर 10 मिनट से ज्यादा या 8 मिनट से ज्यादा रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो फोन उसको संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा? इस मामले में रियलमी अच्छा है। अब देखो रियलमी X2 में 1 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही है 4K में। तो मैं रेडमी और सैमसंग को भी बोलूंगा कि ये लिमिट हटा दो यार, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है रिकॉर्डिंग की, अब 10-10 मिनट बाद शटर दबाने तो बंदा नहीं बैठ सकता ना। तो चलो अब टेस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि Redmi Note 7 Pro और Realme 5 Pro में से पहले कौन बंद होता है और आगे का टेस्ट कौन जीतता है और कौन बेटर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर दोस्तों Redmi Note 7 Pro भी बंद हो चुका है 6 hours 34 minutes and 14 seconds के अंदर अंदर, और यहाँ पे Realme 5 Pro ने तो मनाही कर दिया है वीडियो रिकॉर्ड करने से कि लो बैटरी वीडियो अनअवेलेबल। तो ये भी ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका है, 2% पे आ चुका है ये भी। तो यार Redmi Note 7 Pro को मैं उल्टा कर देता हूँ, ये भी यहाँ टेस्ट से बाहर हो चुका है। तो अभी यहाँ Realme 5 Pro के अंदर 2% बैटरी बची है और यहाँ पर ये हमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा, और Realme 5 Pro जैसा कि हमें वो रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा, तो इसमें मैं पबजी चला देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि वो कितना हमें बैकअप दे पाता है। और गेम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो Realme की मैक्स सेटिंग्स आती हैं उसके सारे रेंज ऑफ डिवाइसेस में मैंने वही सेट की हुई है जो कि HDI, क्योंकि HDR और स्मूथ एक्सट्रीम भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो HDHigh पे हमने सेट कर रखा है। और यहाँ पर मैं गेम स्टार्ट कर दूंगा और यहाँ पे बाकी टेस्ट को चलने देते हैं और देखते हैं कि Realme 5 Pro हमें और कितना बैकअप दे देता है। और यहाँ पर Realme 5 Pro भी बंद हो गया है 6 hours और 39 minutes के अंदर। तो अब इस फोन को भी मैं उल्टा करके रख देता हूँ, कॉज ये भी गेम से बाहर हो चुका है। तो अब हमारे पास बचे हैं 3 फोन्स जो कि है M30S,
रियलमी एक्स टू और रियलमी एक्स टी। और अब हम इस टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे जब इस टाइमर में 7 घंटे हो जाएंगे कि कौन से फोन में कितनी बैटरी बची है। दोस्तों यहाँ पे 7 घंटे पूरे हो चुके हैं और अब हम यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद करके देखते हैं 3 फोन्स जो यहाँ टेस्ट में हमारे बचे हैं कि उनमें बैटरी कितनी बची है। तो यहाँ पर बैटरी देखें तो सैमसंग गैलेक्सी M30S में सबसे ज़्यादा बैटरी बची है 48%, और यहाँ रियलमी X2 में बची है 14% बैटरी, और रियलमी XT में बची है 25% बैटरी। तो अब हम फटाफट से अपने नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं जिसमें हम खेलेंगे पबजी इन तीनों डिवाइसेस में। तो फटाफट मैं पबजी को लोड कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इन तीनों की सेटिंग्स कौन सी होंगी। और यहाँ ग्राफिक्स में जैसे आपको दिखा दूं तो अब रियलमी के 2 फोन्स में HD हाई तक ही अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर भी HD हाई पे ही खेलेंगे ताकि तीनों फोन्स में जो कंपैरिजन है वो नॉर्मल हो। और अब हम यहाँ पे पबजी को स्टार्ट कर देंगे इन सेटिंग्स के साथ, और उसके बाद अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जब तक इन तीनों में से कोई फोन डेड नहीं हो जाता। और यहाँ पर रियलमी X2 की 1% बैटरी रह गई है, तो वो भी अभी किसी भी टाइम बंद हो जाएगा, तो हमें बस अब यहाँ वेट करना है कि वो कब बंद होगा। और यहाँ पर रियलमी X2 भी बंद हो गया है 8 घंटे और 4 मिनट के बाद, जो कि काफी ही अच्छी टाइमिंग है। और अभी देखें यहाँ पे M30S के अंदर 34% बैटरी बची है, और यहाँ Realme XT अभी तक जिंदा है 10% बैटरी के साथ। तो Realme XT ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और M30S से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते Realme XT का, क्योंकि Realme XT में 4000mAh की बैटरी और M30S में 6000mAh की बैटरी है, बट स्टिल Realme XT बाकी सारे फोन से आउट परफॉर्म कर गया है। तो इस बैटरी ड्रेन टेस्ट का एक्चुअली में विनर जो होगा वो तो Realme XT ही होगा, क्योंकि M30S को तो आप कंपेरेबल रेंज में नहीं ला सकते, क्योंकि 6000mAh की बैटरी के साथ कंपीट करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। और सबसे पहले मैं इस Realme X2 को भी उल्टा कर देता हूँ, ये भी गेम से बाहर हो चुका है। तो चलिए अब टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब Realme XT कब बंद होगा। यहाँ अभी 1% बैटरी बची है, तो यहाँ अभी 1% बैटरी बची है Realme XT में। अब देखना है कि ये कब बंद होता है। और यहाँ पे Realme XT भी बंद हो गया है 8 hours and 45 minutes के बाद। तो अब हमारे पास लास्ट फोन बचा है जो कि है Samsung Galaxy M30S। तो अब देखते हैं कि इसकी बैटरी कब खत्म होती है। तो जैसे अब यही एक डिवाइस बचा है अब इस टेस्ट में, तो मैं इसकी ग्राफिक्स सेटिंग्स जो है वो इसके मैक्स पे कर दूंगा। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गेम चल रही है HDR अल्ट्रा पे, तो हम देखेंगे कि इसकी बैटरी कब खत्म होती है। तो दोस्तों फाइनली 10 घंटे होने वाले हैं और यहाँ पर Samsung Galaxy M30S में अब 1% बैटरी बची है, तो ये भी अभी कभी भी बंद हो सकता है। तो देखते हैं अब यहाँ ये कब तक बंद होता है। और यहाँ पर फाइनली Samsung Galaxy M30S भी बंद हो गया है 10 घंटे 3 मिनट और 32 सेकंड के अंदर। तो बहुत ही ज्यादा चल गया ये डिवाइस, एज एक्सपेक्टेड इससे था ही हमें। और यहाँ पे मैं इसको भी उल्टा कर देता हूँ। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों के सामने रिजल्ट। सबसे पहले बंद हुआ Redmi Note 8 Pro, उसके बाद बंद हुआ Redmi Note 7 Pro, उसके बाद बंद हुआ Realme 5 Pro, देन बंद हुआ Realme X2, उसके बाद बंद हुआ सेकेंड लास्ट में Realme XT, और उसके बाद जाके अभी बंद हुआ है Samsung Galaxy M30S। तो दोस्तों ये था बैटरी डिस्चार्जिंग टेस्ट इन सारे फोन्स का। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में हमें इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो करना मत भूलना। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे कूल हैव फन, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।